भगवा धारी ये लोग कहते हैं कि ये 10-10 लाउड स्पीकर लगाते हैं या फलाना चीज है, इसको लेके आपका क्या कहना? देखिए, हिंदू मजहब के लोग भी, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है, माइक से कोई परेशानी नहीं, हमको हमारी और आंख खुल जाती है क्योंकि हम मंदिर में घंटा बजाने चले जाते हैं उस टाइम पे जब ये अजान देते हैं। अब ये खुद लोग जो दूसरे तबके के लोग हैं वो इन लोगों को भड़काते हैं, परेशान करते हैं, और कोई परेशानी नहीं है, किसी को भी अजान से कोई परेशानी नहीं होती है। आज बताइए कितनी सालों से अजान होती है, माइक पे ही होती है ना, सवेरे घंटा बजता है मंदिर में, कितनी सालों से बजता है, किसी को परेशानी नहीं होती है। परेशानी क्या होती है? आरएसएस वालों को, मतलब ये एक तरह की सियासत है। सियासत या असल में क्या है कि आजकल क्या है कि ये इलेक्शन आ रहा था एमसीडी का, इनको माहौल थोड़ा सा बनाना था, ये बना रहे हैं, बनाने दिए, कोई इससे दिक्कत नहीं है। पब्लिक सब जानती है, हिंदू मुस्लिम में लड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदू भी इस बात को जानते हैं, मुसलमान भी जानते हैं, ये दूसरे कोई नहीं लड़ेगा इंशाल्लाह, ये दूसरे मिल के रहेंगे। आप देखिए, आप सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि भाई अवतार भी चल रहा है, साथ अवतार भी कर रहे हैं। कल या दो दिन के पहले की बात है, बीएचयू में जो इफ्तार पार्टी हुई वहाँ पर उसके चेयरमैन जो कि सचिव थे वो वहाँ पहुँच गए, तो उसके बाद वहाँ पे जो छात्र संगठन था, हिंदू संगठन था, वही कहने लगा कि पहली बार हुआ है कि ये सर शामिल हुए हैं, इसको लेकर वो विरोध प्रदर्शन करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये अवतार में तो हर लोग शामिल होते हैं, सारे लोग शामिल होते हैं, बताइए कहाँ नहीं होते हैं, बताइए मोदी साहब तक शामिल हुए हैं, है कौन नहीं होता शामिल, बताइए है। जब ये बताइए पाकिस्तान में मोदी जी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी को, वो भी भाई हैं उनके, भाई मिलने जाते हैं, दोस्ती है। एक हिंदुस्तान में ऐसा मामला चल रहा है कि भाई हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, पता नहीं क्यों, इससे पहले था ही नहीं, इससे पहले कोई था, एक तरह से एक पूरी अफवाह फैलाई जा रही है। और अब तो जिस तरह से जहांगीरपुरी इलाके में बुलडोजर चला उस दिन हनुमान जयंती के दिन, कह रहे हैं कि एक तरफ से पथराव हुआ, मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने की कोशिश की गई उसके ऊपर, फिर ये भी कहा गया कि जो एक पक्ष का कहना है कि मस्जिद के ऊपर से पथराव हुआ, एक पक्ष का कहना है कि उस तरफ से पथराव हुआ, किसी के हाथ में तलवार थी, फलाना चीज़ें। उसके बाद जो पूरी सियासत हुई है और फिर बुलडोज़र चला, अब शाहीन बाग में कह रहे हैं कि बुलडोज़र चलाएंगे। देखिए शाहीन बाग में बुलडोज़र कहाँ चलाएंगे, बताइए आप, रोड का मैटर था, दरवाजे वाले हमारे मेन रोड पर बैठे हुए थे, उन्होंने बेचारों ने कुछ साफ़ कर लिया, खुद हटा लिया, उनको दिख रहा है भाई हमारी गलती है, उन्होंने साफ़ कर लिया, बाकी बिल्डर कहाँ चलाएंगे बताइए आप, कोई जगह तो है नहीं हमारे पास बिल्डर चलाने की, किसान की ज़मीन है, ठीक है, रजिस्ट्री प्रॉपर्टी है यहाँ पे, किस पे चलाएंगे आप। जैसे कि जो दिल्ली प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष है आदेश गुप्ता, उनका कहना है कि यहाँ पर शाहीन बाग में रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं और उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, और जहांगीरपुर में भी ऐसी ही बातचीत चली थी कि वहाँ ऐसे रहते हैं फलाना चीज़ें, तो इसे लेकर एक उन्होंने कहा कि एंड एसडीएमसी महापौर जो है उन्हें पत्र लिखा कि यहाँ रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं और इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, इस अवैध निर्माण, इसे बुलडोज़र से ढहाना है, अवैध निर्माण को हटाना है। या कोई ऐसे लोग नहीं रहते हैं यहाँ बुलंदशहर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, यहाँ के लोग रहते हैं, हैं वहाँ के लोग तो रहते ही नहीं यहाँ पे, जो बता रहे हैं आपको। जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय को कुछ दिनों से, महीनों से, जब से खास करके तो रमज़ान जब से शुरू हुए हैं, अजान हो और फिर हिजाब, महिलाओं के हिजाब को लेकर कर्नाटक में जो कि शुरू हुआ, उसके बाद लाउड स्पीकर, ये सब क्या ये एक अल्पसंख्यक समुदाय के, मतलब किस तरह से उन्हें? मैडम ये कुछ नहीं है, सियासत है, ये आप भी जान रहे हो, आप भी देख रहे हो चीज़ को, ये सब सियासत है। इलेक्शन का माहौल चल रहा था, अभी इनको बीजेपी हार रही थी, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है, और इसलिए ये माहौल बना रहे हैं अपना, ये पब्लिक भी जानती है, आप लोग भी जानते हैं, सारी मीडिया जानती है चीज़ को, ये कर क्या रहे हैं। आपका ये कहना है कि जो हिंदू है या मुसलमान है, आम लोगों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, या हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं हमारे बराबर में, दिक्कत हमें कोई, हमारे बराबर जसोला गांव है, इनको कोई परेशानी नहीं, जाके आप जसोला गांव में इनको करिए इंक्वायरी करिए, भाई इन लोगों से, मुसलमानों से, शाहीन बाग या आपके गांव वालों से कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, और हमारे यहाँ थाने में मालूम कर लिए, थाना हमारे यहाँ कोई मुसलमान को दिक्कत है, वो चाहते हैं हमारा ट्रांसफर ही मत कर, यहीं रहने दीजिए हमें। साफ है
लोगों का कहना है कि यहाँ पर शाहीन बाग में अजान की जो लाउड स्पीकर है या फिर जो जहांगीरपुरी से बुलडोजर की जो हवा यहाँ तक शाहीन बाग तक पहुँच रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ अतिक्रमण होगा, इसको लेकर यहाँ पर ऐसी कुछ बातें नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह की तरह है।